तहफ़्फ़ुज़ भी होता है। जिस जो ताकतवर होता है बस करार अल्लाह के सारे पैगम्बरों का असल मिशन ही इंसाफ। ये जो भी मगरब यूरोप वगैरह ये जो भी खुशहाली है वहाँ ये सारी चीज़ें इंसाफ है, आज़ाद है, अमन है, खुशहाल है। हमारा मसला ये है कि इंसाफ नहीं है, तो ये मेरी स्ट्रगल चल रही है। तो इन 14 महीने में मुझे सही अंदाजा हुआ है, यहाँ तो बेचारा कमजोर पिस जाता है। ये जो हमारे से हो रहा है इस सारे कमजोर तबके से होता है पाकिस्तान में, जब वो ताकतवर के सामने उसका टाकरा होता है। मेरा जो आज अजम है और स्ट्रॉन्ग और मुश्किल ये जहाद है इंसाफ। क्यों अल्लाह के पैगम्बरों ने सबने इंसाफ के ऊपर बात की? क्योंकि ये इंसानों को आजाद करता है। हमारे लोग गुलाम हैं, कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं। जिस जो ताकतवर होता है बस करार अल्लाह के सारे पैगम्बरों का असल मिशन ही इंसाफ। ये जो भी मगरब यूरोप वगैरह ये जो भी खुशहाली है वहाँ ये सारी चीज़ें इंसाफ है, आज़ाद है, अमन है, खुशहाल है। हमारा मसला ये है कि इंसाफ नहीं है, तो ये मेरी स्ट्रगल चल रही है। तो इन 14 महीने में मुझे सही अंदाजा हुआ है, यहाँ तो बेचारा कमजोर पिस जाता है। ये जो हमारे से हो रहा है इस सारे कमजोर तबके से होता है पाकिस्तान में, जब वो ताकतवर के सामने उसका टाकरा होता है। मेरा जो आज अजम है और स्ट्रॉन्ग और मुश्किल ये जहाद है इंसान। क्यों अल्लाह के पैगम्बरों ने सबने इंसाफ के ऊपर बात की? क्योंकि ये इंसानों को आजाद करता है। हमारे लोग गुलाम हैं।